ज्यादा अजीबोगरीब वास मैंने आज तक नहीं देखा। ब्लैकस्टोन, वो सब क्या है? वो ग्रेन की लिफ्ट्स हैं। ग्रेन को लिफ्ट की क्या जरूरत है? वो पेंट हाउस में रहता है। शायद तुम्हें सिटी की आदत पड़ चुकी है। हे, देखो वो वहाँ, वो सीमेंट की पुरानी फैक्ट्री है। जब मैं छोटी थी तो ब्लैकस्टोन के आधे आदमी वहाँ काम करते थे। अब कहते वो भूतिया है। मुझे सिटी की याद आ रही है। कैल्सी, उसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। क्यों? सबसे पहले तो मुझे ज्यादा घंटों तक काम नहीं करना होगा और हम यहाँ ज्यादा सेफ हैं। यहाँ भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और तुम्हें मिस रोफ पसंद आएंगी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी वो मेरी देखभाल करती थी। अगर यहाँ सब इतना अच्छा था तो आप गई क्यों थी? उस वक्त यहाँ से जाना सही लगा था। आपको यकीन है कि आपने बीस की आवाज सुनी थी बेवली? मैं अंधी हूँ, बहरी नहीं, और मेरा स्टोर अपने आप आवाज नहीं करता। तुम्हें यकीन है वहाँ कुछ नहीं है? नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है, बस मुझे ये नहीं लगता कि वो मधुमक्खी थी। मैं देख नहीं सका कि असल में वो क्या था। यानी तुम भी मेरी तरह निकले? लेकिन वो जो भी था उसने तुम्हारा थोड़ा सीमेंट, एक लाइट बल्ब और हवा की जाली तोड़ दी, इसीलिए इतने शोर शराबे की आवाज आ रही थी। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, मैंने जीन कोजिक से बात की थी। अच्छा, कब? लगभग एक महीना पहले। वो वापस ब्लैकस्टोन आने के बारे में सोच रही थी। अजीब बात है, वो शहर छोड़कर वापस यहाँ आ गई है। हाँ, अजीब है। तो जब मैं वापस आऊंगा तो सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कौन सा ज्यादा वक्त वहाँ बिताती हूँ। अच्छा, बाय बाय। हे लैरी। हे डेविन।
Hey man, म्यूजिक के बदले थोड़ा छुट्टा दोगे? तुम्हें उसको इस तरह बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए मेयर? टेक्सटाइल मिल में काम करे। अरे नहीं, वो तो 83 में बंद हो गई ना। सीमेंट फैक्ट्री 95 में बंद हो गई। और बेकरी मैक्सिको चले। मैक्सिको। देखो, वो सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए तो लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है और मैं वही उन्हें देने वाला हूँ। मेरी फैमिली यहाँ 5 पीढ़ियों से है और उसके बाद सुनो, मुझे अपनी ये कैंपेन स्पीच मत सुनाओ, ये तुम्हारे ही काम आएगी। तो मैं तुम्हें अपनी बूस्टर स्पीच देता हूँ। ब्लैक स्टोन का फ्यूचर यहाँ रहने वाले जवान लोगों पर डिपेंड करता है। अपनी फैमिली शुरू करके तुम्हारी जड़ें यहाँ पर हैं। तुम्हारी पहचान यहाँ पर है। मैं ये सब जानता हूँ। मैं अक्सर अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाता हूँ और अपने भाइयों की भी। देखो, आई एम सॉरी टेडी, लेकिन मेरे लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा, मैं अपने नए घर की चाबी अपने नए मेल बॉक्स से लेकर आई हूँ, तब तक तुम जरा घूम लो। आपने वहाँ पर तो मुझे कभी अकेले सड़क पर नहीं जाने दिया। क्योंकि अब ये हमारा घर है। ब्लैकस्टोन बहुत सेफ जगह है। मैं अभी आती हूँ। ओके, अपने काम से मतलब रख रहा हूँ। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे डैडी नहीं है। अब ये तो एक बहाना हुआ। तुम ऐसी सीटी बजा रहे हो जो आवाज नहीं करती। अगर तुम्हें इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आवाज नहीं करती। जैसे डॉग की सीटी। हाँ, वैसी ही। हाँ, तुम्हारा डॉग मर गया? नहीं। तुम्हें डॉग से डर लगता है? नहीं, एक छोटी सी बच्ची होकर तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछती हो। मैं अगले महीने 10 साल की हो जाऊंगी। तुम कितने साल के हो? 100 साल का। तुम्हारा नाम क्या है छुटकी? केल्सी कोजिक। मेरी मॉम और मैं यहाँ अभी अभी आए हैं। वो डेप्यूटी शरीफ है। वो जरूर होंगी। तो मेरे ख्याल से पूछताछ करना तुम्हारी रग रग में भरा होगा। तो रिश्वत लेने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मुझे स्ट्रेंजर से कोई चीज लेना पसंद नहीं। मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ। तुम एक सीक्रेट रख सकती हो मिस कोजिक? मैं इलाई हूँ, बीकीपर, और मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई मिस केल्सी कोजिक। अब अपनी मॉम को इसे दिखाना और अगर वो इसे ओके कर दें तो तुम इसे खा लेना। डील? डील। आइसक्रीम। मॉम, मॉम। पता है तुम्हें आइसक्रीम खानी है ना, लेकिन जरा जल्दी करो। ओके, मुझे घर में सामान फिर से ठीक करना है। देखना पड़ेगा सब चीजें हैं या नहीं। जाओ। मुझे आइसक्रीम सैंडविच देंगे? ये आवाज कैसी है? ये बजिंग की आवाज?
बात नहीं। तुमने आइसक्रीम नहीं ली? अब मेरा मूड नहीं है। मुझे तो अपनी नींद बहुत प्यारी है। मुझे भी अपनी नींद बहुत प्यारी है। गुड मॉर्निंग। कल फोन आया था, मैं जब वहां पर था तो। हाँ, हाय हाय हाय। डॉक्टर फॉग, तुम वापस कब आई? बस एक दिन पहले ही काम आज शुरू किया और देखिए यहाँ क्या हुआ। क्या लगता तुम्हें? शायद बीमार और कमजोर था, नींद में ही मर गया। अच्छा वह बेबली ने इसे पहले नहीं देखा, इसकी तो शामत आ जाती। वो औरत सच में हिम्मत वाली है ना? सही कहा तुमने। तो आजकल क्या चल रहा है? बिजी हूँ। इसे क्या हुआ था? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। और आपकी प्रोफेशनल ओपिनियन क्या कहती है? ज्यादा तो मैं पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकता हूँ। इसे मुर्दा घर ले जाओ। उठाओ। जेन कोसिक। हाँ, अभी वही परफ्यूम लगाती हो? यहाँ आकर मुझसे गले नहीं मिलोगी? पता नहीं मुझे यूनिफॉर्म ऐसा करना चाहिए या नहीं, इससे मेरी अथॉरिटी पर आ जा सकती है। हार्ड में गई अथॉरिटी, पुराने फ्रेंड्स ज्यादा जरूरी होते हैं। अरे हाँ, याद आया, मैं कल ही डेविन हॉल से मिली हूँ। सच में डेविन अब भी ब्लैकस्टोन में है? मैंने सोचा वो ग्रेजुएशन स्कूल के लिए कॉलेज चला गया। वो तो यहीं रुक गया था डैन का बिजनेस संभालने के लिए, उसके एक्सीडेंट के बाद। मुझे एक्सटर्मिनेटर की जरूरत थी, मेरे स्टोर में बजिंग की आवाज आ रही थी। तो ये उस बदमाश के आपके स्टोर में घुसने से पहले की बात है? कब की बात है ये एक्चुअली? डेविन ने कहा वहाँ कुछ नहीं है। और तुम बात मत बदलो, अब तुम उससे बात करोगी या नहीं? पता नहीं, शायद, देखती हूँ कॉरोनर क्या कहता है। वैसे तुम्हारी बेटी 10 साल की होने वाली होगी, मेरे ख्याल से वो अपने अंकल से कभी नहीं मिली होगी, है ना?
यू नो, तुम उसे हेलो तो कह ही सकती हो ना। जेनी, तुम्हारा सर हिलाना मुझे कैसे दिखाई देगा? ये इतना आसान नहीं है बी। जब मैं उसे देखती तो मुझे मेरे डेड हस्बैंड नजर आता है। कैसे देखेगी तो उसे डैडी नजर आएंगे। उसे वक्त चाहिए, हम दोनों को चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। हाँ, अब मुझे नहीं लगता कि आप कभी समझ पाएंगी इसे। मैं ये बात तुमसे ज्यादा समझती हूँ। खैर छोड़ो, जाओ कानून का फर्ज निभाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हारे चेहरे से बहता हुआ मस्कारा देख ले। अच्छा, मैं कैल्सी को स्कूल के बाद यहाँ लेकर आऊंगी। मैं इंतजार करूंगी। डॉक्टर फॉग, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे? हाय, तुम तो डॉक्टर फॉग नहीं हो। आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैथरीन रैंडल, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एंटोमोलॉजी की, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो में। डॉक्टर फॉग ने कंसल्टेशन के लिए बुलाया है। हाँ, उन्होंने मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैं सिर्फ एक लोकल एक्सटर्मिनेटर। सिर्फ मत कहो, मैंने उनसे कहा था बुलाने के लिए। तुम उस स्टोर में थे, तुम इस केस के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो। इधर आओ, ये देखो, तुम्हें ये क्या लगता है? ये डंक जैसा है, शायद वॉस्प का है, ओवी पॉजिटर का, जैसे हम पुराने आइवरी टावर में कहते हैं। तो क्या ये इसी से मरा था? मुश्किल है, किसी को मारने के लिए 10 डंक शरीर के हर पाउंड वजन पर चाहिए, इसे मारने के लिए तो 10,000 डंक चाहिए। एनाफिलैक्टिक शॉक रिएक्शन के बारे में क्या कहूँ? क्या बात है, कोई एक्सटर्मिनेटर एनाफिलैक्टिक सही बोल सकता है? वाह, मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डिग्री लेने वाला था। तो ली क्यों नहीं? जिंदगी ने कुछ और सोच रखा था। हमारा नुकसान हो गया, शायद किसी दिन तुम मुझे इस बारे में बता सको। तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, एनाफिलैक्सिस में मुझे दम घुटने के निशान दिखने चाहिए थे, जो नहीं है। एक्सक्यूज मी, अच्छा तुम्हें उस स्टोर में क्या मिला था? कुछ नहीं, मतलब वहाँ कोई चीज बजिंग कर रही थी जो शायद मक्खी हो सकती थी, मधुमक्खी या वास्प नहीं। तो फिर शायद टेस्ट के रिजल्ट आने तक हमें रुकना होगा। कुछ खाने चल रहे हो? मुझे बताना तुम्हारे और ग्रेजुएट स्कूल के बीच क्या हुआ। थैंक्स सर, पर मुझे अपना ऑफिस पैक करने जाना है, मैं कल टाउन छोड़ रहा हूँ। टाउन छोड़ रहे हो? चूहे, मेरी टाइमिंग हमेशा गड़बड़ होती है। डैडी की ये फोटो यहाँ ब्लैकस्टोन में खींची थी? हाई स्कूल सॉकर फील्ड के बाहर, तब हमारी सॉकर टीम थी और हाई स्कूल भी।
इश्यू है। इसे भी अभी होना था। हे मार्टी, मैं डेविन ऑल बोल रहा हूं। अच्छा सुनो, क्या मैं आज दोपहर को वैन लेकर आ सकता हूं? हाँ, मैं आज टाउन छोड़ रहा हूं भाई, मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है क्या? ठीक है, वहीं मिलता हूं, बाय। जेन कॉसिक, ब्लैकस्टोन शेरिफ्स डिपार्टमेंट। तुम बता सकती हो यहाँ क्या हुआ था? शायद ये डॉक्टर फॉग है, मुझे लगता है ये मर चुके हैं। तुम्हें लगता है? तुम इनके साथ ही थी ना? नहीं, मैं इनसे कभी नहीं मिली। मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, इन्होंने डंक से मरे विक्टिम पर डिस्कशन के लिए बुलाया था। मैं वो केस जानती हूँ, तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खास नहीं, मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश नहीं, कोई पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये है कि डॉक्टर फॉग का मर्डर हुआ है। देखो यहाँ कितना खून बहा है, हमें अब कातिल की तलाश है। कैथरीन, शायद तुम इसे देखना चाहो। ओके। सॉरी, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ये हैं जेन कॉसिक शेरिफ स्टेशन से, हम मिल चुके हैं। जेन, अच्छी लग रही हो। थैंक्स, तुम भी अच्छे लग रहे हो। बेवली ने मुझे बताया था कि तुम अब भी यहीं हो। किसी को तो रहना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों को कोई बात करनी है या को नहीं, मुझे तो बस इस पर तुम्हारी राय चाहिए थी, और तुम लोग अपना काम पूरा कर लो। तुम्हें मेरी जरूरत है?
तुम स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी हो तो तुम्हारे यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस टाउन मत छोड़ना। ओके, मजाक मत करो। डंक लगे विक्टिम का गायब होना और अजीब वॉस्प और मिस्टीरियस मर्डर मैं मिस नहीं करूंगी। तो क्या लगता है तुम्हें? मैंने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। इतनी भारी थी कि विंडशील्ड तोड़ दी। नहीं नहीं, सिर्फ भारी नहीं, वो तेज भी थी, जैसे किसी ने राइफल से गोली चलाई हो। वैसे पता है मैं क्या करूंगी? मैं इसका डीएनए कंपैरिजन उस बेघर आदमी के डंक के जहर के साथ करूंगी। तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें एक सही जगह ले चलता हूँ। हाथ गंदे करने से एतराज तो नहीं? हाथ गंदे करना मेरा पुराना शौक है। कोई तो मेरे जैसा मिला। जेवन, विंडशील्ड की चिंता मत करो, मैं धीरे चलाऊंगा। नहीं, वो बात नहीं है, वो डेप्यूटी शेरिफ जेन। हाँ वही। क्या लगती है तुम्हारी, मैं पूछ सकती हूँ ना? वो मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड्स में से एक है, हम हाई स्कूल में एक साथ थे। मैं उससे लगभग पिछले 10 सालों से नहीं मिला हूं, और वो मेरे चुड़वा भाई की विधवा है। तुम्हें नहीं लगता तुमने स्टोर ठीक करने में ज्यादा वक्त ले लिया? मुझे उसका अफसोस है, अगर वो रोशनदान जल्दी ठीक कर देता तो ये नहीं होता। छोड़ो भी, तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ। इस साथ में कौन है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अकेला नहीं? ऊपर चढ़ते हुए हील्स की आवाज आ रही थी, तुम तो हील्स नहीं पहनते होगे। मेरा नाम कैथरीन रैंडल है मैम। डेविन वो जगह दिखाने लाया है जहाँ डंक वाला हादसा हुआ। ठीक है, जाओ तुम स्टोर में चले जाओ डियर, तुम्हें इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और प्लीज मैम मत कहना मुझे, मैं बेवली हूँ। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने शीशा देखा था तब भी मैं यंग ही लगती थी। ठीक है, थैंक्स भी, मैं नीचे रहकर थोड़ी सफाई भी कर दूंगा। और कैसे थोड़ी देर में आ जाएगी, पता है ना, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, बहुत ही स्मार्ट है। जानता हूँ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे इनविटेशन भी चाहिए होगा। थैंक्स बेवली। वैसे कुछ समझ में नहीं आता, छत भी साफ है, घोंसला भी नहीं है। उस आदमी को पूरे झुंड ने काटा था, अकेले वॉस्प ने नहीं काटा था। इसके लिए उसे घोंसला छेड़ना पड़ा होगा। हम पॉलिस्टस रेस्पिडे कॉलोनी ढूंढ रहे हैं, खासकर जिस कॉलोनी में क्वीन हो। शायद वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। सच तो ये है, वॉस्प मिलजुल कर काम करते हैं, वो तभी झुंड बनाते हैं जब कोई मकसद हो। लेकिन अगर कोई घोंसला ही नहीं है तो वो आदमी उसे छेड़ भी नहीं सकता था, जिससे ये अल्टरनेटिव बचता है कि वो वॉस्प कहीं और से आए थे और उन्होंने जानबूझकर उस आदमी पर हमला किया। वैसे मैं इस अल्टरनेटिव के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। छोटी बच्चियां दूसरों के कामों में दखल देती हैं तो क्या होता है? तो कौवा उनकी आंखें निकाल लेता है। तुम्हें क्या लगता है कैसे हुआ? मॉम ने बताया था कि आप स्निफलाइटिस से अंधी हो गई थी। इसे एनसेफलाइटिस कहते हैं, लेकिन मुझे स्निफलाइटिस ज्यादा अच्छा लगा। तो क्या है तुम्हारे पास, मॉम की फोटो? आप कैसे जानती हैं? ऐसे ही अंदाजा लगाया। पता है तुम अपनी मॉम की तरह हो, जब वो तुम्हारी उम्र की थी तो वो तुम्हारी तरह लगती थी, मतलब ऐसा मुझे बताया गया। वो तुम्हारी तरह शैतान थी, वो तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उसके दिमाग में कोई बात घुस गई तो फिर वो निकल नहीं सकती। भले ही वो गलत हो। मिस रोव, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या बात है? ब्लैकस्टोन में सब अजीब हैं क्या?
ओ केल्सी, साफ जगह के लोग अजीब होते हैं, तुम्हें सिर्फ उनकी आदत डालनी पड़ती है। फिर से मेरी जासूसी कर रही हो मिस कौशिक। थोड़ी सी बेबी सिटर से बचकर आना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जबकि वो अंधी भी हैं। मिसेस रोव का इंट्यूशन बहुत जबरदस्त है और कान भी बहुत तेज है। वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मुझे वो ठीक ठाक लगती हैं। वो मुझे बच्चा समझती हैं। स्ट्रेंजर से बात मत करो, और वो तुम हो। वो तुम्हें किडनैप कर सकते हैं। नंगे पैर यहाँ वहाँ मत घूमो, तुम्हें जंग लगी कील से टेटनेस हो सकता है। पुरानी सीमेंट फैक्ट्री भी मत जाना, वहाँ भूत है। वो पुरानी सीमेंट की फैक्ट्री सच में भूतिया है। एक और वार्निंग यंग लेडी, कभी एलआई के यार्ड में मत घुसना, वो काटता है। तुम्हारी मधुमक्खियाँ कहाँ है? छोटे जासूसों से छुपी हुई है। करोगे? वैसे मैं बफेलो जाकर वापस स्कूल जाने वाला था, लेकिन मैं मिडलस्टोन को इस तरह एक बहुत ही घातक वास्प के हमले के बीच छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। उनके पास मैं इकलौता एक्सटर्मिनेटर हूँ। जिसे तुम ढूंढ नहीं सकते, उसे एक्सटर्मिनेट कैसे करोगे? गुस्सा आता है ना, एक पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट जिसके पास कंट्रोल करने के लिए पेस्ट ही नहीं है। वैसे मैं मुर्दा घर जा रही हूँ, देखती हूँ डीएनए से क्या मिलता है। तुम पुलिस को बता सकते हो कि हमें कुछ नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आता कि हमें उन्हें इस बात से परेशान करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है और उन्हें तो कातिल की तलाश करनी है। मतलब हम डॉक्टर फॉक की मौत का इल्जाम कीड़े के काटने पर तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी मौत तो गला घोटने से हुई थी। कहीं तुम किसी को अवॉइड तो नहीं कर रहे हो जो शायद शेरिफ के स्टेशन पर है? यानी मैं एक इमोशनल धोखेबाज हूँ, मुझे फांसी दे दो।
मैं भी अभी उसी को ढूंढ रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। अगर मुझे फादर मिलेंगे तो मैं पूछ लूंगा। अब एक मिनट फादर, क्या आपने मेयर ब्लास को देखा? नहीं, क्या हुआ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा। फादर, आप सिटी काउंसिल मीटिंग में आ रहे हैं? यूथ प्रोग्राम पर आपके आइडिया सुनना चाहता हूं। फादर, फादर आप ठीक हैं? अजीब हरकतें कर रहे हैं, बहुत अजीब। फादर, फादर, क्या आपने मेरी आवाज नहीं सुनी? फादर, ब्लैक्स, मेयर, आसमान की आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। कम ऑन, कहां हो तुम? मुझे जेली सैंडविच खाना है जिसमें एक्स्ट्रा चीज लगी हो। तुमने सच में नहीं खाया है? क्योंकि कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम यहाँ नहीं थी, और अब तुमसे पके हुए पीच की स्मेल आ रही है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? आखिर ये हो क्या रहा है? ये ट्रैफिक क्यों जाम है?
कब तक क्लियर होगा ये? क्या कर क्या रहे हो तुम? मुसीबत बढ़ा रहे हो। कम ऑन ब्लैकस्टोन पेस्ट कंट्रोल। तो खूनी वॉस को खत्म करते हो तुम? क्या ड्रीम, कहाँ हो तुम? गली में, मैंने तुम्हें देख लिया। तुमने देखा मुझे? देख लिया। बहुत बढ़िया ऑफिसर, बहुत बढ़िया। संभल कर। उस सब स्टेशन से होकर एक रास्ता है, और हाँ, हमें मुर्दा घर जाना होगा। शायद मुझे कुछ मिला है। क्या? वॉस्प का डीएनए, वो म्यूटेंट है। जैसे उसने लड़ाई का कवच पहना और वो हाँ। किसी को भी मार सकता है। हाँ, पर ये काफी नहीं है। काफी नहीं है? ग्रेट। हैप्लोइड सीक्वेंस को क्लोन किया गया था। क्लोन किया था, यानी ये बायो इंजीनियर्ड है। बिल्कुल, और कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? कोई कॉमन वॉस्प को जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों करना चाहेगा? उन्हें खतरनाक किलर मशीन क्यों बनाएगा? मतलब इसकी वजह मौत, लड़ाई या फिर जंग हो सकती है, और क्या? ये मजाक नहीं है डेविन, वो असली हैं और वो वाकई यहाँ हैं। तो फिर वो ब्लैकस्टोन जैसे बकवास टाउन में क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद वो ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। मुझे जेन और केल्सी को बताना होगा। देखो, अब उसके लिए वक्त नहीं है, मुझे मुर्दा घर में तुम्हारी जरूरत है। आई एम सॉरी कैथरीन, लेकिन वो फैमिली है और उनकी अहमियत ज्यादा है। ओके, ठीक है। ओके, मैं फोन करूंगी, कुछ पता चला तो। ओके या। तो कुछ ज्यादा ही फैमिली मैन निकला। चलो, डिस्पैच में डेप्यूटी कॉसिक बोल रही हूँ। कहीं सिप्रस स्ट्रीट जा रही हूँ, वहाँ कुछ मिनट पहले बॉस का झुंड देखा गया था। क्या वहाँ कोई खतरे में है? मेरी 9 साल की बच्ची की बेबी सिटर वहाँ रहती है। ओवर। ये सब क्या हो रहा है? चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन आप अंधी हैं और वो बहुत खतरनाक है। ये वक्त बहस करने का नहीं है, तुम जल्दी चलो यहाँ से। ओके, हुड लगा लो, और जब हम बाहर निकलेंगे तो हम राइट मुड़ेंगे। टाउन में जाने का शॉर्टकट है, समझ गई? ओके, तीन पर, एक, दो, तीन। प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम पड़ोसियों में जाकर अंडे देती हो और उन्हें जिंदा लाश बना देती हो, अब तुम चुप नहीं होती। कैसी कैसी कहा हो तुम? ये शरारत
करने का वक्त नहीं है। केल्सी, मिस रॉफ, केल्सी, केल्सी, मिस रॉफ, कहाँ हैं आप? केल्सी, समझकर बोलना। एक गलत शब्द कहा और मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। मेरी बेटी कहां है? शेरिफ कोजिक, तुम ही हो ना? मिस्टर रॉफ, मैंने सुन लिया। कैसी, तुम ठीक हो ना? देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, सब ठीक है। तुम मेरे डैडी नहीं हो। सुनो, मुझे पता है कैसी, लेकिन नहीं, तुम मेरे डैडी नहीं हो, मेरे डैडी मर चुके हैं। स्वीटी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज। तुम सच में भूत नहीं हो? नहीं, तुम चाहो तो मुझे पिंच कर लो। आओ, तुमने मुझे डरा दिया, तुम बिल्कुल मेरे डैडी जैसे लगते हो। क्योंकि तुम्हारे डैडी और मैं ट्विंस थे। तुम इसका मतलब समझती हो? तुम में से एक राइट हैंडेड है और दूसरा लेफ्ट हैंडेड। मैंने टीवी पर देखा था। देन लेफ्ट हैंडेड था, आई प्रॉमिस, सच में। अगर तुम मेरे अंकल हो तो मैंने पहले तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। कुछ बुरा हो रहा है और मुझे तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाना होगा। ब्लैकस्टोन बिल्कुल सेफ है, मेरी मॉम ने कहा था और वो कभी झूठ नहीं बोलती। क्या उन गंदी मधुमक्खियों का इससे कुछ लेना देना है? हाँ, उन्हें वास्प कहते हैं और वो नए तरह के हैं, हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें यहाँ से जाना होगा जल्दी। तुम उनके बारे में एलाई से पूछो ना। कौन एलाई? एलाई द बी कीपर, वो भी वास्प इकट्ठे करता है, लेकिन ये एक सीक्रेट है। तुम देखने चलोगे? हाँ? अब देखो, मुझे थोड़ा काम करना है और मुझे अब नहीं करना है। मेरे अंकल भी हैं। ओह जी, मैम। वाह, एक और मेहमान, और इनकी तारीफ। पता लगाती हूँ। डेड एंड इलाई, वो खुद को सामने नहीं लाना चाहता।
असली प्रॉब्लम पॉलिस्टस फुस्कॉटस ऑफ द ऑर्डर हाइमन ऑप्टेरा फैमिली रेस्पेडी। तुम्हें पता है पेपर वॉस्प अपने बच्चों को कैसे खिलाती है? नहीं। वो अपने विक्टिम को खतरनाक जहर से डंक मारती है, फिर वो अपने अंडे उसके अंदर छोड़ देती है और उसके बच्चे उन मुर्दों को खाते हैं। बहुत घिनौना है। ये कितना गंदा है। नेचर ऐसा ही है यंग लेडी, नेचर ऑसम भी हो सकता है। इससे मेरा मतलब ऑसम इंस्पायरिंग से है, ना कि ऑसम डूड। और गवर्नमेंट इसे वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। दरअसल बायोलॉजिकल युद्ध के लिए जहरीली गैस और एंथ्रेक्स से ज्यादा कुछ और चीजें भी हैं। असल में ये वॉस्प अपने इंस्टिंक्ट पर चलते हैं, इससे वो ह्यूमन से बेहतर सैनिक बन जाते हैं। दबाव में अक्सर ह्यूमन जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। मैंने भी 10 साल पहले ये गलत फैसला लिया था जब मैंने वॉस्प जीनोम से पहले छेड़छाड़ कर दी थी। तब से मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने वॉस्प जीनोम से छेड़छाड़ की थी? नेचर में क्वीन और उसके ड्रोन्स वो एक गेम खेलते हैं डिफेंस का। वो सिर्फ तभी अटैक करते हैं जब कॉलोनी खतरे में होती है। अब उन्हें वेपन्स बनाने के लिए जरूरत है सिर्फ उन्हें डिफेंस से ऑफेंस में बदलने की। लेकिन क्या वो हर इंसान पर हमला नहीं करेंगी जिसमें हम भी शामिल हैं? बस यही तो मेरी प्रॉब्लम है। वो हमला कर रही है, उन्हें खतरा महसूस हुआ। असल में फल को जेनेटिकली मॉडिफाई करके सही फेरोमोन्स निकालना यह ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैंने बायो इंजीनियरिंग से ऐसे टमाटर और अंगूर बनाए हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। वाओ, मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। प्रॉब्लम यह है कि एक बार हमने उन्हें दुश्मन पर छोड़ दिया तो उन्हें रोकने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। पहले इससे वो बेहोश हो जाते थे, अब इससे वो चिढ़ जाते हैं। तो वो डॉग की सीटी नहीं थी जो तुम बचा रहे थे, बल्कि वास्प की सीटी थी। प्रॉब्लम ये है कि ये काम नहीं करती, इनमें से कोई भी नहीं। किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। तो बेसिकली हम जेनेटिकली मॉडिफाइड किलर वास्प के झुंड का सामना कर रहे हैं और उन्हें कंट्रोल करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ। बकवास है सब। मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक फॉस्फेट से भरा एक ड्रम और थोड़ा सिंथेटिक पैराथॉइड दे दो, मैं इन सबको कंट्रोल कर लूंगा। सुनो जेमी, तुम केल्सी को लेकर चर्च चली जाओ। मुझे नहीं लगता प्रेयर से कोई मदद मिलेगी, यकीन करो मैंने कोशिश की थी। देखो वो मजबूत है और सेंट्रली लोकेटेड है, तुम बस वहां पहुंच जाओ। एलाय और मैं उस झुंड से निपट लेंगे। रेडी? ठीक है। ऑलराइट, जल्दी करो। नहीं। क्या हुआ? ब्लैकस्टोन हमारा घर है, मैं उसकी डेप्यूटी शेरिफ हूँ और खतरे के वक्त मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। वैसे भी इस झुंड ने बेवरली को मारा है, उन्होंने मेरी पुरानी फ्रेंड छीन ली। एलाय, तुम केल्सी को चर्च ले जाओ, मैं बॉस को मारने जा रही हूँ। वो हमेशा से बहुत जिद्दी रही। अब चलो, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी चलो। Come on, Chucky. वही था। Let's go. मैं कभी नहीं चाहता था कि हम दोबारा ऐसे मिले। दोबारा मिलना चाहते थे? बिल्कुल चाहता था, हालांकि तुमने मुझे छोड़ दिया था। कम से कम तुमने मुझसे बेहतर दिखने वाले से तो शादी नहीं की। मुझे उसकी याद आती है,
उसकी गलतियों के लिए। हाँ मुझे भी, और तुमसे भी ज्यादा याद आती है। हेलो हेलो हेलो, तो लगता है सिर्फ हम दोनों ही हैं यहां, तो तुम मुझे बताना चाहोगी वो पीच तुमने क्यों चुराया? लेकिन तुम एक पहले दे चुके थे, ये तो परमिशन जैसा हुआ ना। कैल्सी कैल्सी बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें याद है जब हम सब फेरोमोन्स के बारे में बातें कर रहे थे, वो चीज जो वॉस्प को उनके इंस्टिंक्ट पर चलाती है? यस सर। तो वहां मेरी लैब में रखा वो फल उन फेरोमोन्स से ट्रीट किया हुआ था, अब ये बहुत जरूरी बात है, तुमने उसे जरा भी खाया था? हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ। बुरा हुआ? मैं मरने वाली हूँ? नहीं, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। तुम्हारे शरीर को उन फेरोमोन्स को थोड़ा मुश्किल से अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। बात सिर्फ यह है कि अब वॉस्प सोचेंगे कि तुम उनकी नई क्वीन हो। डरो नहीं, ये ड्रोन है, उन वॉस्प ने अपने विक्टिम को ड्रोन्स में बदल दिया है। ओके, हमें छिपना होगा, कमान नीचे छुप जाओ, जाओ। स्ट्रेंजर, तुम्हारी टाइमिंग तुम्हारे निशाने की तरह अच्छी है। उसके साथ वक्त क्यों बर्बाद करें? हमारे पास तो अब खुद क्वीन है। बंद कर लो वरना मक्खी अंदर घुस जाएगी। बाय बाय इलाय। गॉड, ये कितना घिनौना है। ये वही कर रहे हैं जो इनकी इंस्टिंक्ट्स कह रही हैं। उसने कहा था ज्यादा वक्त तक असर नहीं होता, मुझे ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। मैंने कुछ गलत किया क्या? किस बारे में? एक घंटा पहले मैं उस इलाई को मारने के लिए तैयार थी और अब मैंने केल्सी को उसके भरोसे छोड़ दिया है। तुम्हें अब उस पर शक हो रहा? मतलब हम उसके बारे में कितना जानते हैं, सिवाय इसके कि वो एक पागल साइंटिस्ट है जो किसी ब्लैक ऑप्स सिक्योरिटी स्क्वाड के लिए खूनी मधुमक्खियां इकट्ठी कर रहा है। वॉस्प्स? वो खूनी मधुमक्खियां नहीं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हथियारबंद पेपर वॉस्प्स हैं। I'm sorry. हम उसके बारे में और क्या जानते हैं? बस यही कि केल्सी उसे पसंद करती है ना? हाँ। जाओ यहाँ से! हे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ भी!
शुद्ध नहीं होने वाला है। मुझे यहाँ वापस आना ही नहीं था। ऐसा मत कहो। क्यों? मैं यहाँ 3 दिनों से हूँ, देखो क्या हुआ। मिसेस रोम मर चुकी है, मेयर मर चुका है, जो भी इस छोटे से मनहूस टाउन ने बचाया वो पैक करके छोड़ कर जा रहा है। आखिर मैंने मैनहट्टन छोड़ा ही क्यों? कहीं मेरी वजह से तो नहीं? क्या कहा? हाँ? ओ, तो उसका क्या चक्कर है? वो कैथरीन मैडम का क्या चक्कर? तुम एक्सटर्मिनेटर हो, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, तुम लोग कीड़ों के बारे में बात कर सकते हो। मुझे पता है वो खूबसूरत है। है क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। पहुंच गए। ये बिल्कुल सही जगह है। इंतजार कर रहे हैं। पोस्ट मिलजुल कर काम करते हैं, वो अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। लगता है पहाड़ तोड़ने के लिए हथौड़ी लेकर आए हैं। जरूर तुम जबरदस्त कॉप साबित होगी। ब्लैकस्टोन लकी है जो तुम लौट आई हो। लकी मैं हूं जो लौट आई। मोना चलो थोड़ा सोना उड़ाते हैं। ये लो ऐसे, इसे गैस कैन में लगा दो। वहाँ ओके डेविन, बिछड़ने से पहले एक बात तो बताते जाओ। क्या तुम अपने इंश्योरेंस पेमेंट्स वैन में रखते हो? मुझे किस करो? ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? तुम तैयार हो? जैकेट पहन लो। हम इसमें कामयाब होकर रहेंगे। मेरी सिग्नल पर तुम जितना तेज भाग सकती हो उतना तेज भागना। ओके ओके, 3, 2, 1 गो। खेल खत्म हुआ। नहीं ऐसा नहीं है। संभल कर, संभल कर। ये सब गीला है, शायद हम प्लांट के नीचे हैं। यहाँ से ऊपर जाना होगा। जा। पास आते जा रहे हैं। हाँ चलो चलो चल। Ah!
इस जगह को तो देखो। क्या हुआ? क्या है? ओके डेविड प्लीज मुझे रोको मत, छोड़ो। कैसे उन्होंने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? मेरे बच्चे के साथ क्या किया उन्होंने? तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी क्वीन बनने वाली है। फैक्ट्री को वॉस्प के बड़े घोंसले में बदल दिया। जानती हूँ, बहुत मेहनती वॉस्प है, वो बहुत ही जबरदस्त फोर्स बनाने वाले हैं। तुमने कैल्सी के साथ क्या किया? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो भी किया सब वॉस्प ने किया। लेकिन हाँ, क्रेडिट ले सकती हूँ, इसमें मेरे लिए प्रमोशन है। कैथरीन, वो सिर्फ छोटी सी बच्ची है, उसे घर जाने दो, उसकी जगह मैं ले लूंगा। तुम असल में क्वीन टाइप नहीं हो डेविन। मुझे लगा था हम दोस्त थे। तुम जरिया थे जिसने मंजिल तक नहीं पहुंचाया, तो शायद तुमने समझ लिया होगा ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, और जितने कम लोग सीक्रेट को जाने उतना ही अच्छा है, है ना? तुम्हारे फ्रेंड को तो ठिकाने लगा दिया इलाई, अब मैं तुम्हें ठिकाने लगाने वाली हूँ। तुम कुछ भूल गए लेडी, मैं कॉप हूँ। तो तुम क्या करोगी? मुझे अरेस्ट करोगी? नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये क्या हो रहा है? हमें कैल्सी को निकालना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कैल्सी को बचा चलाऊंगी। अभी कुछ नहीं, छोड़ दो। चलो 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 जल्दी। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। मैं हाई स्कूल के वक्त अक्सर यहाँ आया करता था। मिसेस आईवी की फिजिक्स क्लास बंक करके। उन्हें छूना मत। जेन, जेन। हेलीकॉप्टर्स की आवाज लगती है, यहाँ कौन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भेज रहा होगा? उसे मेरी गलती कहा जाएगा। एलाई, आधा अधूरा बचा हूँ। मुझे यकीन नहीं होता तुम जिंदा हो।
उसने कहा था कि तुम बस मेरी मौत की खबर को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था। चलो शुरू कि तुम ठीक हो, लगता है तुम मदद लेकर आए हो। ऐसा नहीं है, वो यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आए हैं, वो यहाँ मुझे मारने आए हैं। लेकिन तुमने बॉस क्रिएट किए थे। हाँ, इसीलिए। तुम्हारा मतलब क्या है? असल में नेचर उन बड़े से डोमिनो डिजाइंस की तरह है, हर पीस बहुत ध्यान से और बैलेंस से लगाया हुआ है, लेकिन जब एक भी डोमिनो गिरता है तो वो ऐसे हादसों की ऐसी सिलसिलेवार शुरुआत करता है जिससे वो खूबसूरत डिजाइन कचरे के ढेर में बदल जाता है। कचरे का ढेर तो मैं समझ गया, लेकिन वो डोमिनो पार्ट क्या है? जब मुझे किलर वॉस्प बनाने के लिए कहा गया तो मैंने सवाल तक नहीं किया। बेशक हमें अपने बचाव के लिए वेपन्स की जरूरत है, लेकिन ये वेपन बचाव या हमले के बीच फर्क नहीं कर सकता। अच्छे लोग और बुरे लोग एक जैसे मर रहे हैं। लेकिन सारे वेपन्स ऐसा ही करते हैं। जानता हूं, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं जी जान से उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने शुरू किया था। लेकिन सुनो, पहले तो तुम अपनी बेटी को लेकर यहां से निकल जाओ, इससे पहले कि पॉलिस्टस पैदा होना शुरू कर दे। कैल्सी मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे भाई की बेटी है। हम ट्विंस थे। क्या कहा, ट्विंस? ये कमाल की बात है। तुम्हें पता है कि मोनोजाइगोट्स में एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन 5 साल की उम्र जितना 40 साल की उम्र में दुगना हो जाता है। डेविन, क्या वो तुम्हारी है? बेशक जेनेटिकली देखा जाए तो ये ऐसा फर्क है जिससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो ये क्या कहा तुमने, वो तुम्हारी बेटी है? लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें सच में नहीं पता है ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। तुम्हें लगता है मैं वहां चुपचाप खड़ा होकर तुम्हें डैन से शादी करने देता या जाने देता ये जानते हुए कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? मैं शायद बहुत नाराज थी क्योंकि मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम्हें फील करना चाहिए था, तुम्हें फील करना था कि तुम उसके फादर हो। इधर देखो, सही कहा तुमने, मुझे फील करना चाहिए था। No. Go. हमें बाहर निकलना होगा, तो चलो यहां से पीछे हटो। एलाइज, जल्दी चलो। वैसे वो ये जगह उड़ाने वाले हैं, कोई सुराग नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ मिटा देंगे। अपनी बेटी को लिए बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम इन ड्रोन्स को संभाल लो तो मैं क्वीन को छुड़ाने की कोशिश करूंगा। पर कैसे, वो उनसे घिरी हुई है। मैंने शुरू किया है तो खत्म भी मैं ही करूंगा। वैसे भी मैंने वॉस्प के डंकों के लिए काफी इम्यूनिटी बना ली है, हो सकता है मेरा मुंह पहले जैसा ना रहे। मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास वो इम्यूनिटी नहीं है जो मेरे पास है। जब हम ड्रोन्स की क्वीन की तरफ बढ़ेंगे तो ये पागल होने लगेंगे। मैं इनके लिए तैयार हूं। कैल्सी, मेरी आवाज सुनी तुमने? कैल्सी, जगाना होगा। कैल्सी, कम ऑन कैल्सी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन,
में गंदी चीज लग गई। मुझे पता है तुम ठीक हो जाओगी। चलो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चलो 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 यहाँ यहाँ जल्दी इस तरह चलो 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 जल्दी रुको कैसे चलो कैसे अभी खतरा है। मम्मी मम्मी के पास ले चलो। नहीं नहीं मिस्टर एलाय आप ठीक हैं? पता है तुम बहुत सवाल पूछती हो। तुम्हें किसी ने कभी बताया नहीं? कम ऑन जो जिंदा है। देखो सब जगह पत्तियां लग गई। कैसे 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 मम्मी डैडी आ गए। वो अभी मेरे पीछे पड़े हैं। कैल्सी 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 मैं चाहता हूं तुम मेरा एक काम कर दो। ओके मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मॉम और डैड का ख्याल रखो क्योंकि वो कई बार थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और वो थोड़े गलत फैसले ले लेते हैं। लो इसे रख लो। फ्यूचर बनाना तुम्हारे हाथ में है ये याद रखना। हाँ रखूंगी। गुड गर्ल अब यहाँ से चले जाओ वरना मैं अपनी सिटी वापस ले लूंगा। तुम्हें अभी अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाना होगा। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ तुम जाओगे। गो गो जाओ अभी। कैल्सी कहाँ है? वो बाहर चींटियों को स्टडी कर रही है। मुझे लगता है वो साइंटिस्ट बनेगी। एलाय की तरह अपने डैड की तरह। Thank you.